हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल की, जिसका नाम है यूडीएफ फंक्शन इन पाई स्पार्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डज यूडीएफ मींस, ओके, एंड व्हाई डू वी वांट इट। सो इफ यू आर फैमिलियर विद सी लैंग्वेज और जावा और पाइथन, यू मस्ट हैव रिटन अ कोड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, करेक्ट। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या था? जो यूजर बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं एंड हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, यही होता था ना सी लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में, करेक्ट। अगर आप सी लैंग्वेज से फैमिलियर हो तो आप कुछ ऐसे लिखते थे, इंट फंक्शन का नाम, राइट। यहाँ पे आप आर्गुमेंट पास करते थे इंट ए, देन यू विल राइट सम लॉजिक, एंड सबसे लास्ट में आप तो क्या लिखते थे, रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या होगा, ठीक है, रिटर्न जीरो होगा या कुछ वेरिएबल होगा, ठीक है, str सपोज को मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, सपोज a ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ था तो रिटर्न a होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग लिखते थे। ये सी लैंग्वेज हो गया, पाइथन में कुछ और मेथड होता है, ठीक है, कुछ और सिंटेक्स होते हैं, करेक्ट। तो सेम चीज हम पाइस्पार्क में भी करते हैं, ओके। अब मैं आपको बताऊं कि पाइस्पार्क में, ठीक है, डेटाबेस वालों ने पाइस्पार्क में बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैं लिखूं स्पार्क पाई स्पार्क फंक्शंस, यहाँ पे आपको बहुत से फंक्शंस दिख जाएंगे ऑलरेडी जो बने हुए हैं, ओके, यहाँ पे नहीं, डेटाबेस, ओके, डेटाबेस फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाले सब फंक्शंस दिखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ये ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, ये ऊपर से आ रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे हैं इसको। जैसे एनी हो गया, अगर आप यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, बूल और बूल अंडरस्कोर एंड बिट अंडरस्कोर और एग्रीगेट फंक्शन जो हम लोगों ने देखे थे, एवरेज फंक्शन, सम, मिन, मैक्स, वो ऑलरेडी कहीं पे डिफाइंड है, ठीक है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और कैसे उसको रजिस्टर करते हैं, और वी कैन से हाउ कैन वी यूज इट, करेक्ट। सो जो यूडीएफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर डेटा फ्रेम्स, सेकेंड होता है फॉर सीक्वल क्वेरीज, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम लोग कुछ भी फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो उसको हम लोग को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट। तो रजिस्टर करवाने के लिए क्या होता है, ये यूडीएफ फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इसके अंदर हम लोग अपना फंक्शन नेम लिखेंगे, देन यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कुछ और लिखना होगा, कुछ और रिटर्न करवाना है, तो आप यहाँ पे इंटीजर टाइप लिख लो, फ्लोट टाइप लिखो, वॉट एवर इट इज, करेक्ट। अब अगर आपको सीक्वल क्वेरीज में काम करना है, ठीक है, आपको सेम फंक्शन सीक्वल स्टेटमेंट्स में रन करवाना है, ठीक है, यूज करना है, तो हम लोग को ऐसे रजिस्टर करना पड़ता है, spark.udf.register, एंड देन यहाँ पे कुछ नाम देंगे, नया नाम देंगे, ठीक है, देन यहाँ पे फंक्शन का नाम, एंड देन यहाँ पे रिटर्न टाइप, यहाँ पे भी सेम होता है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको कुछ और देना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड टू राइट स्ट्रिंग टाइप, रिटर्न टाइप, करेक्ट। सो लेट्स कम टू दी प्रैक्टिकल, करेक्ट। सो देखो यहाँ पे हम लोग ने डेटा फ्रेम बनाया हुआ, पहले मैं अपने क्लस्टर को अटैच करता हूँ यहाँ पे, इसको रन करते हैं पहले सेल को जिसका हमारा ये जो डेटा फ्रेम है df_1, करेक्ट। अभी सेकंड डेटा फ्रेम है df_2, इसको भी रन यहाँ पे करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑपरेशन करके रखा हुआ है और हमारा जो मेन डेटा फ्रेम है वो है df, करेक्ट, इसको रन करते हैं। ओके, आई हैव टू कॉल दिस, ओके, आई विल राइट हेयर, आई विल राइट फ्रॉम सीक्वल डॉट, नहीं, पाई स्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इम्पोर्ट
व्हाट, इम्पोर्ट व्हाट, LIT, ठीक है। अभी ये रन हो गया। अब हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, IIT, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सिटी एंड मार्क्स। नाउ व्हाट आई वांट टू क्रिएट वन यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इट विल डू, इट विल यू नो, इट विल टेक अ स्ट्रिंग। ओके, वो स्ट्रिंग पे काम करेगा और क्या होगा, जहां पे ये कैपिटल अल्फाबेट है उनको स्मॉल में चेंज करेगा एंड स्मॉल वाले को कैपिटल में चेंज करेगा, ठीक है। आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ फंक्शन। सपोज करो ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, हमारा इनपुट है एस ए कैपिटल जी ए आर ए आर, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आएगा व्हाट, एस स्मॉल में, ए कैपिटल में, जी स्मॉल में, ए कैपिटल में, आर कैपिटल में, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। हमको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, वी विल राइट दिस फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। सो आई राइट हियर डेफ, लेट्स से कन्वर्ट, नहीं ऐसे नहीं, कन्वर्ट केस, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग पास करवा दी, लेट्स से ST, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप, पहले हमको एक नया एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। सो I'll create like C is equal to something like that. इसको मैंने empty एक एक variable लिया, ठीक है, empty string ले ली यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एक loop चलाएंगे for I in what ST। यहाँ पे हम लोग क्या pass करेंगे, यहाँ पे particular column pass किया जाएगा, ठीक है। Then what I will do, I will write the condition if I belongs to small z और यहाँ पे ए हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। अगर ये होता है तो हमको क्या करना है, हमको c इज इक्वल टू c प्लस वॉट आई डॉट अपर, करेक्ट, हमको ये करना था। एल्स अगर वो कैपिटल में हुआ पहले से तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो हमने ये लिख दिया, कूल। और रिटर्न क्या करना है हमको, हमको रिटर्न करवाना है, रिटर्न करना है हमको सी, ठीक है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये रन हो भी रहा कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ये जो फंक्शन है वो वैलिड है, इसमें कोई भी मुझे सिंटैक्स इशू नहीं मिले। अब क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा फ्रेम को लिखते हैं df डॉट एंड नाउ व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट कॉल आईडी, और यहाँ पे ये वाले फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्ट केस, ठीक है, कन्वर्ट है, कन्वर्ट केस, एंड देन यहाँ पे हम लोग पास करते हैं अपने कॉलम को। कॉलम क्या होगा, स्ट्रिंग, सॉरी, स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, करेक्ट, ये वाले कॉलम को हम लोग ने वहां पे पास किया। अब अगर हम यहाँ पे डॉट शो करें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, अभी देखो यहाँ पे इशू आ गया, अभी तो बोल रहा है सीओएल इज नॉट डिफाइंड। सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कॉल दिस सीओएल फंक्शन। सो व्हाट आई विल राइट हियर, पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट व्हाट सीओएल, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है कि कन्वर्ट केस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, क्लस्टर पे ये डिफाइंड ही नहीं किया गया, अभी क्लस्टर पे क्वेरी रन होती है, करेक्ट, वहां पे डिफाइंड नहीं, तो हमें इशू आ रहा, तो हमें कहीं पे डिफाइंड करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हमें यहाँ पे यूडीएफ को भी कॉल करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नया नाम देते हैं इसको, कन्वर्ट केस अंडरस्कोर डीएफ, ठीक है, और यहाँ पे UDF को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फंक्शन का नाम, रिटर्न, ये क्या कर रहा है, रिटर्न, ये रिटर्न स्ट्रिंग ही करेगा, तो नो नीड टू राइट हेयर रिटर्न टाइप, करेक्ट।
अब इंस्टीड ऑफ कन्वर्ट अंडरस्कोर केस आई शुड राइट हेयर कन्वर्ट केस अंडरस्कोर df. नाउ रन इट. कन्वर्ट केस इज नॉट डिफाइंड. ओके रन अगेन कन्वर्ट केस. ओके आई हैव टू डू इट हेयर. कन्वर्ट केस इज नॉट डिफाइंड. वट हैव टू डू. आई एम डूइंग सम मिस्टेक ओवर हेयर. Let me check it. I should copy it and I'll paste over here and again now I run it. Okay, go back to this notebook and what I have written here UDF. Okay. I'll copy this and I'll paste over here to check. Okay, I was just do undo. See, यहाँ पे n missing था, ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने control plus enter किया, ठीक है. अभी हमारा issue resolve हो गया. And now what I will do, I will write this, I will run this. Okay, यहाँ पे भी same issue आ रहा है. यहाँ पे हमें con लिखना था. अभी हम लोगों ने जब इसको रन किया तो देखो हमारे पास क्या होगा. हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है. इशू क्या आ रहा है कि एन एक्सेप्शन वाज थ्रोन फ्रॉम हियर बैड ऑपरेंड टाइप फॉर यूनरी. ओके व्हाट डज इट मीन. ओके आई डिड दिस मिस्टेक. इसको फिर से कंट्रोल प्लस एंटर किया. फिर से इसको कंट्रोल प्लस एंटर किया. एंड नाउ व्हाट आई डिड व्हाट आई डू आई विल रन दिस कमांड. सी We will get our result. Okay. क्या हुआ सागर, अगर आप ये पहले वाला डेटा फ्रेम देखोगे ना तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि सब जो पहला कैरेक्टर था वो कैपिटल में था. ओके और जो छोट जो उसके बाद वाले कैरेक्टर्स थे वो स्मॉल में थे. तो इसने वाइस वर्सा कर दिया. करेक्ट, पहले वाले को स्मॉल में चेंज कर दिया एंड बाद वाले को कैपिटल में चेंज कर दिया. ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ नाम नहीं आ रहा, ठीक है, कन्वर्ट केस ऐसा कुछ आ रहा है. सो इट इज नॉट गुड ना. वी नीड टू गिव सम नेम. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल यूज अलियास फंक्शन. ओके अलियास फंक्शन एंड आई विल राइट सम नेम. तो नेम हम सेम दे देते हैं, कुछ नहीं होता. करेक्ट, फिर कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं. अब देखो हमारे पास यहाँ पे आईडी एंड स्टूडेंट नेम करके हमारा डेटा फ्रेम जनरेट हो गया, ठीक है, जो हमको चाहिए था. अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिर्फ एक ही फंक्शन मतलब एक ही बार यूज किया ना. आई विल व्हाट आई विल डू आई विल यूज इट टू टाइम्स. लेट्स सी, कॉमा लगाया, इसको पूरे को कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया. यहाँ पे हमने दे दिया सिटी. करेक्ट, इसको भी हमने दे दिया सिटी. इसको रन कर लेते हैं. देखो यहां पे सिटी में भी हुआ क्या, यूपी पहले कैपिटल में था, ऊपर एमपी कैपिटल में था, राजस्थान का आर कैपिटल था, तो ये स्मॉल में हो गया. ठीक है, देखो अगर आप ऊपर से कंपेयर करोगे तो हमारा आउटपुट वही आ रहा जो हमको चाहिए था, क्योंकि हम लोग ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग सेम चीज को सीक्वल में करें, ठीक है, सी वी हैव वन टेबल डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, ऑलरेडी बनी हुई है.
चलो, इट इज टेकिंग सम टाइम। लेट्स सी ऑन इट। See, we have this table, and under this we have these many columns and these many rows. Okay, now what we want to do, if we use this function, this user defined function, what we have created above, in this what we will get? My question is whether we can use it or not. If we cannot use, then what is the approach? अगर हम यहाँ पे subject column को यहाँ पे pass करेंगे, ठीक है, स्टार तो नहीं पास कर सकते, सब्जेक्ट कॉलम को पास करेंगे एंड इसको अगर रन करेंगे, नाउ वी विल गेट एरर, बिकॉज ये जो मेथड था ना, ये जो वाला मेथड था वो डेटा फ्रेम के लिए था, नॉट फॉर सीक्वल स्टेटमेंट्स और सीक्वल क्वेरीज। ठीक है, कन्वर्ट केस अंडरस्कोर डीएफ, दिस वन इज नाइदर रजिस्टर्ड टेम्पररी फंक्शन नॉर अ परमानेंट फंक्शन रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस डिफॉल्ट। ठीक है, ये हमारे पास इशू आ रहा है। अब अगर इसको ओवरकम करना है तो हमें अपने सेकंड पॉइंट पे जाना होगा, फॉर सीक्वल क्वेरीज स्पार्क डॉट यूडीएफ, हमें ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहां पे जाएंगे, देन यहां पेस्ट कर देंगे, एज सिंपल। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्ट केस को हम लोग कॉपी करते हैं, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, कन्वर्ट केस अंडरस्कोर df हटा देते हैं, रिटर्न टाइप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे कुछ नया नाम हम लोग दे देते हैं, तो हम देते हैं यहाँ पे कन्वर्ट केस सीक्वल, इसको स्मॉल ही रहने देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे, ओके, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे किया कन्वर्ट केस अंडरस्कोर सीक्वल, अब देखो हमारे पास आउटपुट आएगा, ये स्टेटमेंट चलेगा, देखो चल रहा है। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट भी आ गया, ओके। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ इसको कुछ और नाम देना था तो आप दे सकते हो, मैं बोलूंगा कि भैया मुझे सब्जेक्ट के नाम दे दो और कुछ मत करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, करेक्ट। अब आपको अगर यहाँ पे सभी कॉलम्स को पॉपुलेट करना तो आप यहाँ पे स्टार लिख दो एंड कॉमा करके रन कर लो। ठीक है, एज सिंपल, समझ रहे हो ना। सो आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो, इफ यू डू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।